गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वो महिलाओं और बुजुर्गों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। ताजा मामला सोहना के कायस्थवाड़ा से आया है, जहां 65 वर्षीय बीना नाम की महिला की सुबह बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीना की हत्या के बाद घर में लूटपाट की गई और घर के जितने भी जेवरात थे या अन्य जो कीमती सामान था वो सब लुटेरे लेकर चंपत हो गए। घटना की जानकारी जब बीना के घर में काम करने वाली नौकरानी उनके घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बीना लहूलुहान अवस्था में नीचे पड़ी हुई है और उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना बीना के पड़ोसियों सहित उनकी परिजनों की दी, जिसके बाद बीना को गुरुग्राम के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी। पड़ोसियों की माने तो बीना के दो बच्चे हैं, दोनों ही विदेश में रहते हैं। उनका बेटा लंदन में रहता है तो उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बीना के पति की भी 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो घर में अकेली रहती थी। शायद यही वजह थी कि लुटेरों ने मौका देखकर इस पूरे मामले को अंजाम दे दिया। लेकिन हैरानी की बात ये सामने आ रही है कि पुलिस काफ़ी देर तक उस मामले में सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंची, जिससे पड़ोसियों में काफ़ी रोष दिखाई। कास्तवाड़े का मामला है, बीना नाम की 65 साल की बुजुर्ग थी, वो अकेली रहती थी। सुबह उनके जो देवर हैं महेश आर्य जी, उनका फोन आया जब हम मौके पे पहुंच गए थे, और इनका बेटा जो एक लंदन रहता है, बेटी इनकी ऑस्ट्रेलिया रहती है। और सुबह जब हम वहाँ पहुंचे तो खून में लथपथ पाई गई बिल्कुल। तो इनका लूटपाट भी हुई घर पे? हाँ, लूटपाट, पूरा घर उथल पुथल था, ये लूटपाट का ही मामला डकैती का। तो वही पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो इस मामले में आरोपियों का सुराग उन्हें मिल चुका है और उन्होंने एक जुवेनाइल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मामले में कितने आरोपी हैं या सभी आरोपी जुवेनाइल हैं, इस बारे में पुलिस ने ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। उनका ये कहना है कि जुवेनाइल एक्ट के अनुसार ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी पुलिस के द्वारा कर दिया जाएगा। ये एक महिला घायल अवस्था में आज सुबह सोना में मिली थी, कायस्थवाड़ा की ये रहने वाली थी। इसके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, तो जब इसके घर में जो काम करने आई थी लेडी, उसने देखा तो वो घायल अवस्था में घर में पड़ी हुई थी और सामान बिखरा हुआ था। तो जिसके संबंध में उसने परिजनों को सूचना दी और उन्होंने आगे उसको गुड़गांव में हॉस्पिटलाइज करवाया गया, लेकिन उसकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मृत्यु होगी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और इस घटना में जो शामिल लोग थे उनकी हमने पहचान कर ली है और उनको पूछताछ के लिए हम उनसे हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आज सुबह की घटना है, लगभग 5 बजे के आसपास की घटना मालूम हुई है, और इसमें महिला काफ़ी समय से यहाँ रह रही थी, लेकिन उसके बच्चे यहाँ उसके साथ नहीं रहते थे। वो उसका बेटा दूसरे देश में और बेटी और दूसरे देश में वहाँ पे रह रही हैं, तो ये अकेली महिला यहाँ पे रहती थी। जिन लोगों को हिरासत में ले गए, क्या कुछ उनकी पहचान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी ये पहचान डिस्क्लोज करना सही नहीं है, उनमें से जो 9 है एक, उसकी पहचान नहीं बताई जा सकती और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और सारी जानकारी आपको कल दी जाएगी। ये जुवेनाइल जो है, कुल मिलाकर गुरुग्राम में इस समय अपराध का बोलबाला इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब सुरक्षा के लिए हमें स्वयं ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि पुलिस अपने तरफ से प्रयास जरूर करती है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता कि वो हर जगह मौजूद हो। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने पड़ोस में रहने वाले उन बुजुर्गों की स्वयं देखभाल करें जो किसी न किसी कारणवश अकेले रहते हैं। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।